हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संजय दुबे व्लॉग। फ्रेंड्स, हम इस वक्त पहुंच रहे हैं अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब स्टेट में स्थित। अमृतसर रेलवे स्टेशन को अंग्रेजों की ओर से तैयार करवाया गया था। इसका निर्माण सन 1862 में किया गया था और सबसे पहले लाहौर के साथ इसे जोड़ा गया था। इसके बाद धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। मौजूदा समय में अमृतसर रेलवे स्टेशन से रोज़ाना 125-130 के करीब गाड़ियां आती हैं जाती हैं। फ्रेंड्स, हम आज अमृतसर से वाघा बॉर्डर, जो कि अमृतसर रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर के रेंज में स्थित, हम आज आपको वाघा बॉर्डर पर लेके जाएंगे। वहाँ पे भारतीय सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक परेड करते हैं। आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए और देखते रहिए। फ्रेंड्स, अमृतसर पंजाब राज्य का एक प्रमुख शहर है, साथ ही एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। यह शहर स्वर्ण मंदिर के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कई सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ की बहुत सी जगह ऐसी हैं जो इतिहास से जुड़े रोचक बातें बयां करती हैं। यह शहर गुरु नानक देव के अनुयायियों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। देश दुनिया में फैले हुए सिख समुदाय के लोगों के लिए अमृतसर एक पवित्र स्थान है। इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। फ्रेंड्स, अमृतसर में टूरिस्ट प्लेस के कुछ जगहों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का एक बहुत ही विशाल गोल्डन टेंपल। दूसरा बाघा बॉर्डर, दुर्गयाना टेंपल, राम तीर्थ मंदिर, गोविंदगढ़ किला, जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूजियम, साडा पिंड, थंडर जोर मनोरंजन और वाटर पार्क, खालसा कॉलेज, अकाल तख्त, हरी के वेंडलैंड और पक्षी अभयारण्य, फनलैंड, कंपनी बाग जैसे जगह है यहाँ पे घूमने लायक। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको अमृतसर से लेके वाघा बॉर्डर, जो कि हमारे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे भारतीय सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक सभी परेड करते हैं, हम आपको वाघा बॉर्डर पे भी लेके जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।